हे गाइस, स्वागत है आपका टैकोटे के एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। मेरा नाम है आशु और आज जो हमारे पास गाड़ी है रिव्यू करने के लिए वो है रेनॉल्ट की ड्राइवर। आज हम इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू करने जा रहे हैं। अगर आपको शोरूम की डिटेल्स चाहिए तो हमने सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से डायरेक्टली शोरूम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप बताएंगे कि आप टैकोटो से देख कर आए हैं तो आपको हैवी डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं एंड आप हमें वहां पर डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, हम वहां पर आपके जो क्वेश्चन है उनके जवाब भी दे देते हैं। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अच्छा, इसके अंदर गियर इंडिकेशन तो आता नहीं है, कौन से गियर में चल रहे हैं हम? नहीं, गियर इंडिकेशन नहीं आता इसके अंदर। अभी थोड़ी देर चलाएंगे तो आपको बताएंगे कि भाई ब्रेकिंग कैसी है एंड सस्पेंशन कैसा है मेनली, क्योंकि कैबिन नॉइज गाड़ी के अंदर है एंड इतना अच्छा आइसोलेशन नहीं है। अभी जैसे देखो ब्रेकर आया है, आपको काफी हिल रही है, आपको पता चल जाएगा ब्रेकर का। देखो गाड़ी ने जो कंपनी है उन्होंने पूरी ये कोशिश की है कि हम जो है छोटे प्राइस रेंज में बड़ी कार देते ताकि एक फैमिली कार टाइप बन जाए। तो बेसिकली एक फैमिली कार है। अगर आप ज्यादा एंथुजियास्टिक कार ड्राइवर हैं या फिर आप गाड़ी को पुश करना ज्यादा पसंद करते हैं, ओवरटेक करना ज्यादा पसंद करते हैं, करना चाहते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। एंड अगर आप एक फैमिली कार चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं अपना जो सामान है लोडिंग अनलोडिंग कर सकूं, आप एक फैमिली ट्रिप पे जा सकें, सफिशेंट है उसके लिए ये गाड़ी। बट अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसमें बैठ के ओवरटेकिंग करूँ तो ये इस गाड़ी के लिए स्लाइटली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी जैसे MID में ये एवरेज दिखा रही है 9.9 किलोमीटर, तो ये एवरेज इसका जो MID में शो हो रहा है उससे कम ही होगा लगभग। अभी जो है सिटी के अंदर ये आपको 8 का अप्रोक्स दे देगी एवरेज। 7 सीटर कार है, अभी हम इसके अंदर 3 जने बैठे हैं, लोड इतना ज्यादा है नहीं गाड़ी में। क्यों, चलो यहाँ से ले लेंगे। वैसे गाड़ी का जो पुश है वो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है ना, इनिशियल्स गियर में। आगे वाले गियर्स में क्या होगा, अभी ये सेकंड गियर में है कार, है ना, तो सेकंड गियर में इसका पुश काफी अच्छा है। अभी जैसे मैं थर्ड, हाँ लो RPM में नहीं, मतलब लोअर गियर में इसका आपको सही मिल जाता है पुश। टर्निंग रेडियस देख लेते हैं, टर्निंग रेडियस जैसे गाड़ी बड़ी है तो थोड़ा सा तो आपको ज्यादा ही होगा, बट सही है, कोई इश्यू नहीं आ रहा है। हैंडल की बात कर लेते हैं, है ना, हैंडलिंग रिस्पांस इतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, इतना अच्छा नहीं है हैंडलिंग रिस्पांस। देख सकते हैं आप मैं कितना ज्यादा टिल्ट कर रहा हूं, बट उतना ज्यादा गाड़ी टिल्ट नहीं हो रही है, है ना। और ये बात है कि आपको जो है इसे लोअर गियर में करना ही पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए। एंड जैसे जैसे चलाते हैं आपको बताते हैं। अभी जैसे मैंने ये सेकंड गियर में, सेकेंड गियर में ये जो है काफी ज्यादा अच्छा पुल ले रही है गाड़ी। कैबिन नॉइस तो ही गाड़ी के अंदर 4000 RPM पे हैं अभी हम। अब तीसरा गियर लगा रहे हैं, तीसरे गियर में ये देखो मैंने पूरा पेडल दबा दिया है और ये तीसरे गियर में थोड़ा सा गाड़ी लैग करती है, ओवर पावर नहीं है गाड़ी, बट पावर लैगिंग इसके अंदर आपको फील होती है। थर्ड गियर से आपको पावर लैग स्टार्ट हो जाता है फील होना, यानी कि इनिशियल गियर्स जो है उसमें आपको बढ़िया पावर मिलेगी पर थर्ड गियर के आफ्टर आपको पावर लैग फील होना चालू हो जाएगा। आप फुल पेडल भी दबा देंगे तो भी गाड़ी जो है लीनियंटली आगे बढ़ेगी धीरे धीरे, है ना। कैबिन नॉइस है और इतनी ज्यादा भी नहीं है, जो आप अगर म्यूजिक चलाएंगे तो आपका ये हट जाएगा कैबिन नॉइस भी, आपको महसूस नहीं होगा। AC चला लेते हैं, चलो बात करते हैं AC चला के थोड़ा सा। चल गया, चलो देख लेते हैं इसका AC कैसे वर्क करता है। एंड मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे आप स्पीड आपकी थोड़ा कम है एंड आप गियर को लोअर करना चाहते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, ये गाड़ी पिकअप उठा लेगी, कोई दिक्कत वाली आपको इसमें होने नहीं वाली है। देख सकते हैं आप ग्राउंड में आ गए अब हम, एंड मैं आपको बेसिकली सस्पेंशन दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा गड्ढे भी आ गए तो आप देख सकते हैं
काफी ज्यादा आपको पता चल जाएंगे गड्ढे अंदर गाड़ी के। एंड मैं बात कर रहा था इसके सीट कंफर्ट की, तो सीट में कुशनिंग थोड़ी सी मेरे को कम लगी है। इसमें जो सपोर्ट्स होती हैं वो भी अंडरनीथ सपोर्ट वो भी मेरे को थोड़ा कम लगी है, बट इस प्राइस रेंज में आप कंप्लेन भी क्या ही करेंगे, है ना। एंड आपको जो पोजिशनिंग है ये हैंडल की, सॉरी स्टीयरिंग की जो पोजिशनिंग है वो इसके अंदर आपको केवल टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है ना, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। देख लीजिए, क्योंकि मैं भी देखो मैं 100 कार ड्राइवर हूँ, मेरे को 1 हैंड से ही पसंद है कार ड्राइव करना, एंड मैं इजीली इसे कर पा रहा हूँ। बस थोड़ा सा अगर इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। बात कर लेता हूँ इसकी एसी की, तो एसी की जो इसके जो वेंटिलेशन है एसी का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड मेरे को यहाँ तक हवा आ रही है, एंड मेरे जो लैग्स हैं उन पे नीचे हवा आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा सही है एसी रिस्पॉन्स भी इसका, ऐसा कुछ कमी नहीं लग रही है। सस्पेंशन से मेरी शिकायत रहेगी, क्योंकि सस्पेंशन इतने खास लग नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको गाड़ी के अंदर पता चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसे आप रिस्पॉन्स देखे जरा, बॉडी रोल देखे आप गाड़ी के अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे कैमरा बॉडी रोल देखे गाड़ी के अंदर कितना बॉडी रोल है। क्योंकि देखो ये तो होता ही है, जब गाड़ी की हाइट बढ़ जाती है एंड उसकी विड्थ उस हिसाब से नहीं होती, विड्थ टू हाइट रेशियो जो है प्रोपोर्शन में नहीं होता है, तो ऑफकोर्स उसके अंदर बॉडी रोल आ ही जाता है। तो इसके अंदर गाड़ी के अंदर भरपूर बॉडी रोल है, आप हाई स्पीड पे जब इसे टर्न करेंगे तो आपको जरूर फील होगा कि गाड़ी पे पलट ना जाए। तो इसे मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसे 100 से नीचे ही रखें, ज्यादा इसे पुश करने की कोशिश ना करें। फैमिली कार है, फैमिली कार की तरह इसे यूज करने की कोशिश करें। तो आपको अब आगे की जो इंफॉर्मेशन है वो आयुष ड्राइव करेगा, वो आपको बताएगा। तो चलते हैं, चलिए ओवर टू आयुष। अब थ्रॉटल रिस्पॉन्स अभी मैं बताऊंगा, पर अभी हम स्टार्ट का पिकअप बताएं तो मैंने सिर्फ क्लच छोड़ रखा है, मेरा पैर अलग है, आप देख सकते हैं गाड़ी चल रही है। मीन्स इतनी लंबी कार में भी अगर आपको 7-8 की स्पीड मिल रही है तो पिकअप तो अच्छा मिल रहा है इस कार में। थ्रॉटल में देखते हैं फर्स्ट गियर में कितनी तक जा सकता है। तो कार में जो है नॉइस आने लगती है, 33 तक गया, रेड हो गया, एंड काफी ज्यादा नॉइस आने लग गई है इसमें, इंजन नॉइस बहुत ज्यादा है कार में। मेरे को पिकअप सही लग रहा है, कोई एज पर इतना कोई हल्का पिकअप नहीं है गाड़ी का, 1 लीटर पेट्रोल इंजन के बाद भी, एंड इतनी मतलब 7 सीटर कार है, कोई ज्यादा मेरे को कम इसमें पिकअप लगा नहीं। हैंडलिंग जैसा कि आशु ने भी अभी चलाते वक्त बताया थी कि इसकी जो हैंडल है हमको थोड़ा सा ज्यादा घुमाना पड़ रहा है, मीन्स स्टेयरिंग को हमें थोड़ा सा ज्यादा घुमाना पड़ता है जब जा करके गाड़ी कटती है पूरी प्रॉपरली। ब्रेकिंग रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जैसे अभी मैं हाई स्पीड में था तब भी इतनी इजीली ये कार रुक गई है, ब्रेकिंग रिस्पॉन्स कार का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। सबसे ज़्यादा मेरे को इस कार का पिकअप पसंद आया है, इतना मीन्स अगर इसको हम 7 सीटर पूरा भर दें, अगर इसका जो ग्रॉस वेट है, भैया से पूछ रहा हूँ मैं, है ना भैया, अगर इसको हम पूरा भर दें ग्रॉस वेट तो कितना इशू आएगा पिकअप में? माइनर सा इशू आएगा, ज्यादा इशू नहीं आएगा, ज्यादा इशू नहीं आएगा। नॉर्मल इंजन नहीं है, एनर्जी इंजन है ना, इसलिए ज्यादा इशू नहीं आएगा। भाई अभी तो इस कार में हम सिर्फ 3 लोग हैं, तो पिकअप में मेरे को कोई लैग लगा नहीं, और मेरे को अभी सिर्फ सेकंड गियर तक ही जाने का यहाँ पर मौका मिला है। तो थर्ड गियर में जैसा आशु गया था, आशु बता रहा था कि थोड़ा सा लैग है थर्ड गियर में, पर मेरे को स्टीयरिंग लिटरली काफी ज्यादा पुअर लगा यहाँ पर, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं लगा मेरे को। डेली कोई ना कोई सी कार चला रहे हैं एंड उतना अच्छा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स नहीं है इस कार का, बट ओवरऑल इस प्राइस रेंज में हम ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि हमको 7 सीटर कार मिल रही है इस प्राइस रेंज में, वो बड़ी बात है। तो इसका सस्पेंशन टेस्ट करने के लिए मैं भी इसको एक बार ग्राउंड में लेकर के जाते हैं। मीन्स जैसे अभी रोड है, नॉर्मल रोड है, यहाँ पर जो वाइब्रेशन है स्टीयरिंग पे थोड़ा कम है, बट अगर हम थोड़ा सा नीचे ऑफ रोड जाते हैं या फिर हम ग्राउंड में जाते हैं या फिर थोड़ा सा खराब कंडीशन वाली रोड पर हम इसको चलाएंगे तो जो स्टीयरिंग पर वाइब्रेशन है वो हमको काफ़ी ज़्यादा पता चलते हैं। तो स्टीयरिंग पर वाइब्रेशन आपको इसमें पता चलेंगे, बट इतना कोई ज़्यादा वाइब्रेशन आपको ऑन हाईवे तो इसमें नहीं लगेगा। मीन्स जो आपका ये ऑफ
ऑफ रोड करेंगे आप तभी आपको ज्यादा स्टीयरिंग वाइब्रेशन आपको पता चलेगा। तो चलिए ग्राउंड में चलता हूँ लेकर के। जैसे कि अब आप देख सकते हैं हम ग्राउंड में आ गए हैं एंड यहाँ पर हम इसका सस्पेंशन टेस्ट करने वाले हैं। तो एज अभी मैं पहले पीछे बैठा हुआ था, मैं शूट कर रहा था, तो मेरे को अगर मैं पीछे का बताऊं तो हाँ थोड़ा ज़्यादा बम्प लग रहा था, बट अब मैं जैसे आगे हूँ तो आगे भी उतना ही आपको बम्प्स पता चलेंगे। जिसको आपको ऑफ रोड करते हैं या फिर कोई रोड खराब है तो वहाँ पर तो आपको ये धीमा ही चलानी पड़ेगी, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा अनइवन कंडीशन हो जाती है सीट पर। सीट लैग है यहाँ पर सीट में, क्योंकि यहाँ पर हमको थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा। ड्राइवर सीट पर तो एटलीस्ट थाई सपोर्ट की कंप्लेन नहीं होनी चाहिए थी, ड्राइवर सीट पर तो हमको थाई सपोर्ट मिल जाना चाहिए। एज पर ये जो थाई सपोर्ट की कंप्लेन रहती है वो हमारी रेयर सीट में ज़्यादा रहती है, बट यहाँ पर ड्राइवर सीट में भी हमको नहीं मिल रहा है थाई सपोर्ट। एक और मैं आपको अगर इसमें दिखाना चाहूँगा कि इसका जो रिवर्स कैमरा है वो कैसा है, मैं इसमें अभी आपको रिवर्स गियर लगाता हूँ। अब देख सकते हैं काफी सही वाइड एंगल कैमरा देखने को हमको यहाँ मिल रहा है एंड हमको यहाँ पर डायरेक्शन लाइंस भी देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर मैं स्टीयरिंग घुमाता हूँ तो ये घूमती हैं, यानी देखते हैं। अभी मैं इसका क्लच छोड़ता हूँ धीरे धीरे। उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रही है बट बहुत हल्का है, इतना ज्यादा कोई इनका अच्छा वर्क नहीं लगा मेरे को कि उतना अच्छा से दिखाया हो इन्होंने डायरेक्शन। थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट रहती हैं, उतना मुड़ती नहीं है जितना स्टीयरिंग के साथ मुड़ना चाहिए अदर कार्स में। अडैप्टिव नहीं है, सीधा बोल दे बस। जो गाइडलाइंस हमको यहाँ मिल रही हैं वो अडैप्टिव नहीं मिल रही हैं स्टीयरिंग के साथ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर ही इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ऑन एंड ड्राइविंग नोट, तेरे को कैसी लगी ये कार? एज पर इसका जो अंदर की सीटिंग है, स्पेस है, 7 सीटर आ जाती है, तो वहां पर मेरे को लगता है कि जब हम लास्ट सीट पर जाते हैं तो लेग स्पेस तो बिल्कुल नहीं बचता है। तो बट ऑन एंड ड्राइविंग नोट तेरे को कैसी लगी? तो देखो, अगर जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है आप कंपटीशन तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो ये एक तरह की कार है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ओवर एंथुसियास्टिक जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए गाड़ी नहीं है बिल्कुल भी। आप एक फैमिली कार है ये, है ना, तो आप इसे फैमिली कार की तरह अगर किसी को खरीदना है तो ही इस पे जाए, क्योंकि इनिशियल गियर में आपको अच्छा पिकअप मिल जाएगा, बट जो आफ्टर गियर आपका आफ्टर जो थर्ड गियर है ना, उसमें आपको पिकअप नहीं मिलने वाला है। तो आप जो है इसे फैमिली कार की तरह सोचें कि अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए, आपको टूर्स पे जाना, तो बढ़िया है गाड़ी। जो मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा, मेरे को उसमें इसका पिकअप सही लगा ऑन द नोट, कोई इतना हल्का पिकअप नहीं था। मे बी शायद थर्ड गियर में थोड़ा सा कम हो जाए, मेरे को थर्ड गियर डालने का एरिया मिला नहीं था। बट जो मेरे को सबसे ज्यादा इशू लगा वो लगा इसमें के सस्पेंशन में, सस्पेंशन थोड़ा बेटर हो सकता था एंड थोड़ा सा ड्राइवर सीट को भी अगर थोड़ा कंफर्टेबल कर देते तो ज्यादा बेटर होती है कार। बट इस प्राइस रेंज में ये आती है, वहां पर आपको सारी हैचबैक्स देखने को मिलती है नॉर्मल, बट यहाँ पर आपको एमयूवी देखने के लिए मिल रही है और यहाँ पर 7 सीटिंग ऑप्शन मिल रहा है। तो मीन्स इस प्राइस रेंज में इसका कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है। इवन यहाँ पर आपको रेयर कैमराज वगैरह एंड अच्छा मल्टीमीडिया सिस्टम भी अंदर देखने को मिल रहा है, एमआईडी भी यहाँ पर डिजिटल देखने के लिए मिल जाता है। ऑन एंड फैमिली नोट, अगर आप फैमिली के लिए लेना चाहते हैं या फिर आपका थोड़ा सा टूरिंग का काम है या फिर आप थोड़ा सा लगेज ज्यादा लेकर कैरी करके चलते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छी कार है। इसके आप सारी सीट्स फोल्ड करके इसमें पूरा स्पेस बना सकते हैं, काफी बड़े स्पेस इस कार में आपको मिल जाता है। तो ये तो था इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू। अगर आपके आपसे आपको कोई भी इसके रिलेटेड सवाल पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप हमसे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, हम वहां पर आपको डायरेक्टली रिप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।